हेलो फ्रेंड्स, मुमताज क्रिएशंस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक स्पेशल और टेस्टी नाश्ता लेके आई हूँ जो हमने बचे हुए सामान से तैयार किया है। तो एक ही नाश्ते में हमें तीन तीन स्वाद मिलेंगे, तो इसमें खांडवी का भी टेस्ट आएगा, खमन का भी टेस्ट आएगा, पितोड़ का भी टेस्ट आएगा और कम ऑयल से नाश्ता ही बन के तैयार होता है और खाने में तो ये लाजवाब है। और ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आता है, तो मैं अक्सर अपने घर में ये बनाती हूँ। चाहो तो इसकी ग्रेवी वाली सब्जी भी बना सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे सूखा नाश्ता कर सकते हैं। तो इतना टेस्टी बनता है कि इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाने की इच्छा होगी। इसको बनाने में हमें ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए होता और समय भी नहीं लगता और बिना ऑयल का हम ये नाश्ता तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि हमारा नाश्ता कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और आप थिकनेस अपने हिसाब से मोटा पतला रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। यदि रेसिपी अच्छी लगे तो आप भर भर के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं नाश्ता बनाने की ओर। तो सबसे पहले मैंने कढ़ी ले ली जो हमारे अक्सर घरों में बच जाती है, तो इसका आज हम सुपर टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। ये बहुत मेहनत से बनती है, तो या तो हम इसको गर्म करके खा लेते हैं नहीं तो ये बेकार जाती है। तो इसका ही हम आज नाश्ता तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको छान लिया है, एक कढ़ाई ले लेंगे और एक चलनी ले लेंगे जिसमें से अच्छे से निकल जाए और मोटे मोटे जो पार्ट्स हैं जो ऊपर रह जाएंगे, हमारे पकौड़े हैं और जो हम बघार लगाते हैं पत्ते वगैरह ऊपर रह जाएंगे, तो हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए। तो इस तरह मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। तो सभी को छान लेती हूँ और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसके ऊपर जिससे अच्छी तरह छन जाता है। और ये पकौड़े बचे, आप चाहो तो इनको पीस के इसी में मिला सकते हैं, तो मैंने एक साइड में कर दिया और ये हमारा स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब इसमें तीन चम्मच हम बेसन डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मिक्सर ले लेते हैं, तो आप मिक्सी में फेंट सकते हैं, इसी तरह चम्मच से भी इसको फेंट सकते हैं। तो मैंने सभी को मिक्स कर दिया, तो ये मिक्सर से मैंने अच्छी तरह फेंट लिया, तो आप इसको चम्मच से भी चला सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह हम मिक्सअप कर देंगे। तो ये हमारी कढ़ी है जो ठंडी है, गर्म नहीं है, अगर गर्म होगी तो इसमें गुठले पड़ जाएंगे। तो हमारे अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब गैस की ओर चलेंगे, कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस तरह चारों तरफ इसको घुमा देंगे, इससे हमारा पेस्ट नीचे लगेगा नहीं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया और इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें राई डालेंगे। अब इसमें हमने दो हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया, तो इसको भी हम भून लेते हैं। तो थोड़ी सी इसमें हम हींग डालेंगे क्योंकि हमारे पहले से डली हुई है, तो हींग से बेसन डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो घोल हमने बनाया वो इसमें डाल देंगे और मिक्सअप कर देते हैं और अच्छे से इसको चला देंगे, तो ये लगेगा नहीं। इस तरह से हम इसमें पहले ऑयल डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, तो नमक डालेंगे, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हमारे पहले से कढ़ी में डली हुई है, तो हमने जो बेसन डाला है उसको हमने इससे बैलेंस किया है। तो गैस की फ्लेम को पहले हाई रखेंगे और उसके बाद इसको लो करेंगे, तो लो गैस पर बनाना, नहीं तो ये घोल नीचे लग जाएगा। अब इसको गाढ़ा कर लेते हैं, तो थोड़ी देर में ये अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा। जब हमारे पास कोई सब्जी ना हो तो हम इस तरह इसको सब्जी को तैयार कर सकते हैं। आप कढ़ी नहीं हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये पितोड़ की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो मैंने कढ़ी वेस्ट ना हो इस वजह से इस नाश्ते को तैयार किया है, तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो इससे पहले हम एक तैयारी कर लेते हैं, तो एक थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो नाश्ता फैलाएँगे तो इसमें चिपकेगा नहीं, आसानी से इसके पीसे निकल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लग जाता है, इसको लगातार चलाते हुए इसको हमने गाढ़ा कर लेंगे। और ये नाश्ता बना रहे हैं, ये फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। तो आप इसको बिना जमाई भी खा सकते हैं, तो इस तरह बहुत अच्छा लगता है। तो घोल अच्छे से गाढ़ा हो गया, ये जमने की फॉर्म में आ गया, तो उसी थाली पे जो हमने ग्रीस किया था तो उसी पे हम इसको फैला देते हैं और अच्छे से इसको एक सा कर देंगे ऊपर से। तो थोड़ा सा ऑयल का हाथ लेंगे और इसके ऊपर इसको एक सा कर देंगे और थोड़ी देर में ये जम जाता है। या तो आप पंखे की हवा में छोड़ दें या फ्रिज में रख दें, दो घंटे में ये आराम से अच्छे से ये जम जाएगा। तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो एक इसके लिए बघार तैयार कर लेते हैं और ये दो घंटे में ये आराम से सेट हो जाएगा। इसकी ओर चलेंगे और एक पैन ले लेते हैं, तो उसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो एक चम्मच इसमें मूँगफली का ऑयल डाल देते हैं, इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, दो हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है और इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता डाला है और इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे इसको और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हम खांडवी खा रहे हैं। इसको अच्छे से चला देते हैं और भून लेते हैं सभी को। अब 2 घंटे हो चुके हैं, हम अपने पितोड़ को भी देख लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से सेट हो गया और इसको हम कट करेंगे। तो आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो मैंने डायमंड शेप में काटा है, आप चौकोर शेप में भी काट सकते हैं, लंबे लंबे बारीक बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह काटने से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने सभी को ये काट लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से इसके पीसेज निकल गए, ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने शानदार लग रहे हैं पीसेज। और बरसात के मौसम में जब कोई सब्ज़ी नहीं हो तो इस सब्ज़ी को भी ट्राई कर सकते हैं, चाहे ग्रेवी की बनाए चाहे सूखी बनाए, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह भी खा सकते हैं, ये सूखा भी बहुत अच्छा लगता है। और अब इस पे ऊपर हम बघार डालेंगे। तो जब इसके ऊपर बघार डालेंगे तो और भी टेस्टी लगेगा और बिल्कुल खमण जैसा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। वो कड़ी अक्सर बची जाती है तो इसका हमने डबल प्रयोग किया है। तो मीठे नीम के जो पत्ते डाले थे ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए। तो बेसन की बहुत सही रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन इस तरह भी बहुत टेस्टी लगता है। इसके ऊपर हम धनिया पत्ती डाल देते हैं तो धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम तीसरे नाश्ते की तरफ चलें। तो थोड़ा सा ऑयल ले लिया और आप इस तरह इसको खाना चाहते हैं तो इस तरह हाफ फ्राई भी कर सकते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, जो हमने पीसेज निकाले थे इनको एक एक करके हम इसमें फैला देंगे और इनको अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है चटनी से, सॉस से बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ये अच्छे से सिक गए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो ये कम ऑयल में बन के तैयार हो जाता है। थोड़ी देर में क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने इनको तैयार कर लिया है। तो आप किसी भी तरह से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने इसकी थिकनेस इतनी रखी है तो आप जितना चाहें मोटा पतला इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के ये तैयार हो गया है। और इस पर थोड़ा सा हम धनिया पत्ती लगा देंगे। सॉस और चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। तो आप कोई भी मेहमान आए तो इस तरह बना खिला सकते हैं, पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमने ये कड़ी कैसे बनाया है। तो इस तरह हम इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना सकते हैं और इस तरह नाश्ता भी बना सकते हैं। तो हमारे दो दो काम हो गए, कड़ी भी बच गई, हमारे काम आ गई और हमने नाश्ता भी बना के तैयार किया है। तो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आता है तो मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सा नाश्ता पसंद आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल का बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर ऐसी एक यूनिक रेसिपी में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।